हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिस ट्रेंड। फ्रेंड, आज आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी के मैं क्वेश्चन आंसर लेके आ गई हूँ, जो आपके नर्सिंग के सारे एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? राइट आंसर ऑप्शन सी, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जूम कर लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लिस्टर। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जितने एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उसमें इससे ज़रूर दो तीन क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पर्पज्ड प्रोपोज्ड द गर्म थ्योरी ऑफ डिजीज? राइट आंसर लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रूव्ड कन्फर्म्ड द ग्रीन थ्योरी ऑफ डिजीज? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू व्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, एनाटॉमी वेन लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कवर्ड बाई लुईस पाश्चर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज टू हैव अ वायरल एटियोलॉजी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, येलो फीवर। हु डिस्कवर विब्रो कोलेरा? राइट आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे बैसिल्स? BCG का ये फुल फॉर्म होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब टिटनस बैसिल्स? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन और अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? राइट आंसर ऑप्शन बी, एडवर्ड जूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैसल्स इज आल्सो नोन एज कोच वैसल्स? राइट आंसर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाई? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाक समन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट डिस्कवर टू ट्रीट लेप्रोसी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाई? राइट आंसर ऑप्शन डी, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन वाज नॉट डिस्कवर्ड बाई लुईस पाश्चर? ऑप्शन सी, टिटनस वैक्सीन लुईस पाश्चर के द्वारा नहीं डिस्कवर्ड, मतलब वैक्सीन डिस्कवर्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी निम्यूनो वाज डिस्कवर्ड बाई? राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच बैक्टीरिया वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच? राइट आंसर ऑप्शन डी, लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन इज नॉट रिलेटेड टू कोच पोस्टुलेट आर कोच द निमोनिया आर कोच लॉज? राइट आंसर
ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब, इसको डी को पढ़ लेते हैं, सॉरी, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू रिसोलेट द बैक्टीरियम इन प्योर कल्चर फ्रॉम लेसन प्रोड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेंसिलिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनाटॉमी एंड लिवेनोहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूल एंड रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, स्पोरुलेशन, सब होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, इनेबल एड्रेहेंस ऑफ सरफेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइकोलॉजिस्ट, प्रिवेंट डिस्टेक्शन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन चेन्स आर। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल आर कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट बिटवीन 20 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर आर कॉल्ड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मेसोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल मीडियम इनहिबिट सेल्फ डिस्ट्रप्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स बट मेंटेन स्टेट्स क्यू कंडीशन, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ विच मीडियम। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेनिंग टेक्निक विच गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफरेंटल स्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ बैक्टीरिया कल्चर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, आइसोलेशन ऑफ, स्टडी एंड मेकिंग वायबल काउंट्स, डिटरमाइनिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एंड नेप्रेशन ऑफ वैक्सीन, ऑल ऑफ अबव होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऑब्जर्व द मोर्टलिटी ऑफ माइक्रोब। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी,
हैंगिंग ड्रॉप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल शुड बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड टू प्रोसेसिंग। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ब्लड एंड बोन मैरो सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच हैव वेरिएबल शेप, बैक्टीरिया विच चेंजेबल शेप आर कॉल्ड। राइट आंसर इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, फेलोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया दैट थ्रिप्स इन हाई टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड। राइट आंसर होगा थर्मोफिलिक ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच हैव सिंगल फैलिगुलम एट इच एंड आर कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, एम्फिरिकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरिकल बैक्टीरिया अकरिंग इन कल्चर्स आर कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टेप्लोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मोटाइल स्मॉल अपेंडिक्स ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन कॉल सेल इज अनदर ड्यूरिंग कंजुएशन आर कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीली। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पीटी इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपेरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a patient already suffering from an infection acquired another infection or another patient of sources is called. Right answer option C. होगा इसका right answer. Cross infection. Next question देखते हैं. Organism that live in his intimate non पैरासाइट्स रिलेशनशिप विच विथ द होस्ट आर कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ब्लड इज नोन एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉन्टाजिनस इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस इज। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट ए होगा कॉन्टैक्ट और कंजाइटल। ऑप्शन सी, ए और बोथ ए एंड सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज इज कॉल्ड। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कंटाजिनस एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिशियन इंक्यूडेट इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्राम इन्वेस्टिगेटिव थेरेपिक्यूट एंड अदर प्रोसीजर लाइक सर्जरी इज कॉल्ड। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रो इज कॉल्ड। राइट आंसर बैक्टीरियोस्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड बट नॉट नेसेसरी देयर स्पोर्स इज कॉल्ड. राइट आंसर ऑप्शन सी, डिसइंफेक्शन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑफ द आर्टिकल सरफेस आर मीडियम इज मेड फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर्स इज कॉल्ड. राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टरलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग. BCG इज राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज फैक्सुलेटिव एनारोब्स. राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल होगा. इकोलाई, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला, ऑल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट नीड हैंड वॉशिंग. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेकिंग ब्लड प्रेशर के टाइम हैंड वॉश करना कोई बहुत नेसेसरी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. राइट आंसर ऑप्शन डी, हार्मलेस, नॉन इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, ऑल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश परसेंटेज ऑफ टोटल बायोमेडिकल वेस्ट इज हैजार्ड्स. राइट आंसर ऑप्शन सी, 15%. इसमें इस वीडियो में मैं 97 क्वेश्चन आपका कवर कराऊंगी और बचे इसमें अभी 295 क्वेश्चन है, इसको भी मैं कवर करा दूंगी पार्ट टू में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में 97 क्वेश्चन लिया है. कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, सॉरी, ऑटोक्लेविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पॉजिटिव कोकाई अकरिंग इन ग्रेप लाइक कल्सर्ट क्लस्टर्स. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैप्लोकोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विब्रियो कोलेरा इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. राइट आंसर ऑप्शन ए, कोमा सेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग आर इन फॉलोइंग ऑल आर गर्म निगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट ऑन. राइट आंसर ऑप्शन डी, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया एक्सिबिट इन चाइनीज लेटर एंड क्लब सेप्ट. राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bacteria is known as Klebe the Leophrys bacteria? Right answer इसका होगा ऑप्शन सी, Corynebacterium diphtheria. Next question, rice water stool is characterized symptom of which of the following infection? Right answer Vibrio cholera. Next question, which of the following cause गैस गैंग्रेन. राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, कोलस्टिडियम परफिंगनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द न्यूमोमोनास इज एमरिंग. Which of the following is spores forming non-motile encapsulate bacteria and causing food poisoning?
राइट आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोलिस्टीडियम बॉटुलिज्म बॉटुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉमनली कास्ट बाय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ट बाय नाइजीरिया गोनोरिया, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरिक फीवर इज कास्ट बाय, राइट आंसर इसका होगा साल्मोनेला त्याफ्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल नेल्सिन स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज फॉर विच बैक्टीरिया, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, राइट आंसर ऑप्शन डी लेप्रोसी। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, इसका राइट आंसर टी पैलिडम, ट्रेपिनोमा इसको बोलते हैं, ट्रेपिनोमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेप्रोसी, राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं है। फॉलोइंग पैथोजन इज कॉजिटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, कोक्सिला ब्यूमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंस फीवर इज कॉज्ड बाई, ट्रेंस फीवर इज कॉज्ड बाई, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, बर्टोनेला क्विंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, फ्रेंड्स अगर मुझसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो प्लीज उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप लोग अपने से खुद थोड़ा कमेंट में मुझे करेक्ट करा सकते हैं, और खुद भी वीडियो में मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ तो इसलिए पॉइंट करके, तो थोड़ा आप लोग अपने तरफ से करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि गलती सबसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटाइस, राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑल, ट्रैकोमा लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम नॉन गोनोकोकल यूरिनिटाइटिस ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बियोसिस डिसेंट्री इज कास्ड बाय, एम्बियोसिस डिसेंट्री इज कास्ड बाय ऑप्शन सी होगा स्टोलिका, एंटामोबिया हिस्टोलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वायरल इन्फेक्शन टू मदर इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में काज स्टील बर्ट ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन द चाइल्ड, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस विच इज कास्ड बाई ट्रैपानोजमा ब्यूरेकी इन ट्रांसमिटेड बाई द बाइट ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन टेस्टिस फ्लाई सैंडी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोनोटिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट द पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन दैट काज ईचिंग द एनस ऑफ चिल्ड्रेन इज कास्ड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग वर्म, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एंटीरोबियस वार्मिकुलेरियस पिन वार्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया इज कास्ड बाई, फाइलेरिया इज कास्ड बाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विच द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज, राइट आंसर इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सीधे नहीं आया है, इसको छोड़ते हैं. प्लाज्मोडियम इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी. सॉरी, स्पोरजोआ ऑप्शन बी होगा. प्लाज्मोडियम इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप स्पोरजोआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन सही से नहीं है, वैसे मैं पढ़ दे रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस इन नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पैथोजेनिक एक्शन, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. बोथ ए एंड बी, मतलब न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, पैथोजेनिक एजेंट जो होते हैं एक्शन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होता है, मतलब इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विच कास्ड राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, राइट आंसर पायरोजेन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाई इंजेक्टिंग, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कम इनटू विच ग्रुप, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्यूटी एक्टिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन इन्फेक्शन डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, इम्यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थर्ड लाइन डिफेंस, राइट आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉरी एंटीबॉडीज. फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के. मैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके हाजिर होती हूँ. तब तक अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा. मैं मेहनत से आप लोग के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ, और फिर मैं जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में माइक्रोबायोलॉजी के भी जल्दी अपलोड करूँगी. तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बढ़िया से पढ़ाई करें, सारे एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.